नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? तो दोस्तों, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे एक पुराना और जर्जर पिलर लगा हुआ कुछ बना है। के बारे में ऐसी मान्यता है, इनके जो खंभे हैं उनको आप कितनी भी बार गिन लो, हमेशा अलग ही आएंगे। यानी कि किसी बार 10 आ गए, किसी बार 15 आ गए, किसी बार 11 आ गए, हर बार वो मतलब फिक्स रहता ही नहीं है। तो चलो आज मैं यहाँ से चलता हूँ। अभी देखो रास्ता बहुत दुर्गम है, तो इसको जा करके मैं देखता हूँ कि क्या यही वास्तविकता है, क्या इसके इतने ही खंभे हैं जितने मैं गिन पाता हूँ, या फिर हर बार यहाँ पे कुछ अलग अलग खंभे है। तो ये रास्ता देखो बहुत ही ज़्यादा मतलब झाड़ झंकाड़ वाला है, और मैं यहाँ से देखता हूँ। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे भगवान जी की प्रतिमाएँ लगी हुई है यहाँ भी, और ये कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। तो चलो अभी हम इसको गिनना शुरू करते हैं। और यहाँ पे भी भगवान जी की कुछ प्रतिमा लगी हुई है, और इसी के पास ये नदी के किनारे ही बनाए। देखो यहाँ से नदी भी आर पार आपको दिख जाएगी। आ जाओ बेटा, आ जाओ। तो दोस्तों ये देखो, इसमें खंभे हैं, मैंने तो ये खंभे पूरे गिन लिए। ये मुझे लग रहा दोस्तों शायद लोगों को इसलिए कन्फ्यूजन में हो जाता होगा, क्योंकि ये इसमें क्या खंभे ही खंभे हैं, वो तो इधर वालों को गिनते होंगे, तो इधर आते आते इधर वालों को फिर भूल जाते होंगे, और दोबारा गिनने में कोई कहीं ना कहीं उनसे गड़बड़ी हो जाती होगी। क्योंकि दोस्तों अभी मैंने इनको गिन के देखा है, मुझे पूरे 17 खंभे लगे। हाँ, दोबारा में ज़रूर 23 खंभे हो गए, 6 खंभों का डिफरेंस आ गया। तो ये इसलिए आए क्योंकि वो वहाँ पे जो हनुमान जी है या बालाजी महाराज है, वहाँ पे जो खंभे थे ना उनको मैं भूल गया था। लेकिन फिर मैं वास्तव में दोबारा गिना तो मुझे 25 खंभे मिले। अब 25 में से मैंने माना कि ये एक खंभा, ये जो एक खंभा है, ये इन दो खंभों के बीच में छिप गया था। फिर मैंने दोबारा गिना, फिर वापस मुझे 26 खंभे मिले। फिर मैंने देखा कि एक वहाँ पे देखिए जो खंभा ना, ये 4 खंभे हैं यहाँ पे, 1 2 3 4, इनमें फिर वो बीच वाला छिप गया, और उसके पीछे भी एक और खंभा है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इधर से आपको दिखेंगे। लेकिन मैं इसके पीछे ये मान रहा हूँ खंभे तो फिक्स है, लेकिन जब हम इनकी काउंटिंग करते हैं तो कहीं कहीं हम जो पहले खंभे गिनते हैं ना उनको छोड़ देते हैं, या फिर वो एक दूसरे के पीछे आ जाते हैं, तो इस प्रकार से कन्फ्यूजन हमारा बढ़ता ही जाता है। इसके बाद यहाँ से ये खूबसूरत नज़ारा आप यहाँ से देख सकते हो।